हे आज काफी सनी वेदर है। विंटर सीजन में भी इतनी अच्छी धूप निकली है। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं यहीं बैठकर पढ़ाई करूँ। पता है कल मजा आ गया था पढ़ने में। मैं सोच रही हूँ कि आज भी यहीं बैठकर पढ़ती हूँ। अरे ये क्या, ये तो क्लाउडी वेदर हो रहा है। क्या बारिश आने वाली है? विंटर सीजन में इतनी तेज बारिश, ये क्लाइमेट कैसे बदल रहा है? आज तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगी। क्लाइमेटिक कंडीशंस में ये बदलाव क्यों आते हैं, इसका जवाब हमें मिलेगा ज्योग्राफी के इस चैप्टर से। तो फिर आइए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इशिता। आइए आज हम सब मिलकर शुरू करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट। दोस्तों, हम जब भी एक एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, तब हम थ्री एलिमेंट्स को समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। पहला एलिमेंट है लैंडफॉर्म्स, दूसरा ड्रेनेज और तीसरा होता है क्लाइमेट। हम ज्योग्राफी के पिछले चैप्टर्स में लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज की बात तो कर चुके हैं, इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड एलिमेंट के बारे में जिसका नाम है क्लाइमेट। हम सब इंडिया में रहते हैं। विंटर सीजन में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। समर्स में हम ठंडी ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं। जून जुलाई में बारिश होती है। आखिर ये सब क्यों होता है? क्यों इंडिया के सीजन्स के पैटर्न्स में ये बदलाव आते हैं? इन सब का जवाब हमें ज्योग्राफी के इस चैप्टर से ही मिलेगा। इसके अलावा हम इस चैप्टर में ये पता लगाएंगे कि आखिर इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप क्यों है, और अगर है तो इसके पीछे वजह क्या है। हमें ये पता चलेगा कि इंडिया का क्लाइमेट हम सबके लिए कैसे यूजफुल है, हम सबको कैसे जोड़े रखता है। दोस्तों, जनरली स्टूडेंट्स को ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट लगता है। मैं समझ सकती हूँ क्यों, लेकिन मेरी बात समझिए। इस चैप्टर में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो अच्छे से समझ आ जाए तो ये चैप्टर काफी स्कोरिंग है, काफी सिंपल है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इस चैप्टर के सभी लेक्चर्स को ध्यान से समझेंगे तो आपको ये चैप्टर सबसे इजी लगने लगेगा। तो फिर चलिए डिस्कस करते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से एरियाज को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को हम टोटल 14 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्टरी है। सेकेंड लेक्चर में हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। थर्ड लेक्चर होगा क्लाइमेटिक कंट्रोल से रिलेटेड, यानी कि इस लेक्चर में हमें उन फैक्टर्स के बारे में पता चलेगा जो एक एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। फोर्थ लेक्चर में हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो इंडिया के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। फिफ्थ लेक्चर होगा इंडियन मॉनसून के बारे में, जिसमें हमें पता चलेगा कि आखिर इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप क्यों है। सिक्स्थ लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि आखिर मॉनसून का अराइवल और डिपार्चर कैसे होता है। सेवेंथ लेक्चर से हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर इंडिया में डिफरेंट टाइप के सीजन्स कौन से हैं, आखिर इंडिया का डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न कैसा है। इसके बाद हम आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन हर सीजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि एट्थ लेक्चर होगा कोल्ड वेदर सीजन के बारे में। नाइन्थ लेक्चर में हम हॉट वेदर सीजन को डिटेल में स्टडी करेंगे। टेंथ लेक्चर में एडवांसिंग मानसून और इलेवेंथ लेक्चर में रिट्रीटिंग मानसून। 12th लेक्चर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल से रिलेटेड, और 13th लेक्चर में हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर मॉनसून हम सबको कैसे जोड़े रखता है, यानी कि इस लेक्चर का नाम होगा मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आप सबके मन में किसी भी टाइप का डाउट ना रहे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज, लेट्स बिगिन द जर्नी। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। PuStack चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सर्कल पर क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।